के साथ हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, जैसे सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि मास्क वगैरह डाल के बाहर जाना चाहिए हमें, ये सब उन्होंने यूज करके आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी वो मसाले हैं जिससे मैं काढ़ा तैयार करूंगी, तो हमारी अंदर की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत करता है क्योंकि हम डेली यूज करते हैं इसका। ये देखिए, ये सूखे मसाले ऐसे तैयार हो जाते हैं। फैमिली मेंबर को भी लक्षण पाए गए थे उनको, आप इसको स्किप कर सकते हैं, नींबू को बस थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो का विषय यही है कि जैसे बाहर आप देख सकते हो माहौल बहुत ख़राब है, आपको पता है सबको, दो साल से यही चल रहा है, तो कोरोना के कारण माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो हमें सरकार के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए कि हमें मास्क डाल के ही बाहर निकलना चाहिए, जो जो उन्होंने सावधानियां हमें बरतने को बोला है वो हमें करनी चाहिए। आप लोग बोलोगे कि मैंने मास्क तो डाला नहीं है, अभी मैं अपने घर में ही हूँ तो घर में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो उस बहुत लोगों के टच में आते हैं, इसलिए हमें वो मास्क डालकर ही जाना चाहिए। चलो ये अलग विषय है, इस पर हम नहीं बोलते। आज का विषय मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या मैं आज का विषय लेके आई हूँ। तो आपको पता है जैसे मेरे को कैंसर की वीडियो आपने सारी पीछे देखी है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो वो कैसे मैंने घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती हूँ, तो आज भी ये कोरोना के साथ भी हम घरेलू नुस्खे साथ ही जंग लड़ेंगे। तो हमारे फैमिली मेंबर को भी एक लक्षण पाए गए थे, हमने उनको घर में घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक किया है वो आज सबको दिखाऊंगी। ये सब उन्होंने यूज करके आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने उसके लिए यूज किया है। तो फ्रेंड, ये सभी वो मसाले हैं जिससे मैं काढ़ा तैयार करूंगी, तो जो हमारी अंदर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी डाउन हो जाए तो तभी हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ये सभी वो मसाले हैं जिसके साथ मैं एक काढ़ा तैयार करूँगी। तो सबसे पहले इसमें हम, ये है दालचीनी और ये रही काली मिर्च, ये लौंग है और ये है छोटी इलायची जिसको ग्रीन इलायची भी बोलते हैं, और ये इसमें डलता है थोड़ा पुदीना, ये है तुलसी, आप कोई भी तुलसी ले सकते हो जो आपके घर में है, तो ये अदरक है, ये गुड़ और ये है नींबू। नींबू आपका इसमें ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको खांसी थोड़ा ज़्यादा है तो आप नींबू को स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नींबू भी डलता है। तो चलो आज ये सभी मसालों का हम वो काढ़ा बनाने की तैयारी। फ्रेंड, इसको कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारा काढ़ा कैसे हम तैयार करते हैं। तो ये फ्रेंड जो ग्लास है ना, मैंने ये दो ग्लास वाटर लिया है, ये पानी लिया है इस पतीले में मैंने, ये आप देख सकते हो दो ग्लास पानी लिया है मैंने। तो अभी हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं, तो जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा फ्रेंड तो इसमें हम डालेंगे ये सभी मसाले। तो उनको डालना कैसे है, ये जो सूखे मसाले हैं ना, अगर आप इसको डेली यूज़ करना चाहते तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इसको डेली यूज़ करो, क्योंकि यार बहुत माहौल बाहर ख़राब है तो हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखना है। तो इसको मैंने ना, ये सभी मसाले हैं ना जो सूखे, इसको मैंने पीस के रखा हुआ है क्योंकि हम डेली यूज़ करते हैं इसका। ये देखिए, ये सूखे मसाले ऐसे तैयार हो जाते हैं, क्वांटिटी इनकी ये ना दालचीनी जो है उसकी क्वांटिटी जो थोड़ा ज़्यादा रखनी है, तो थोड़ा इसमें लौंग डाल लेना, थोड़ा काली मिर्च जितना आप सहन कर सकते हो, क्योंकि मिर्च आपको पता है ये तीखी होती है, तो थोड़ा इसमें हरी इलायची डाल के इसको मैंने पीस के ये रखा हुआ है, पूरा मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, तो वो अब इसमें हम डाल देंगे। अगर आप एक जने का बना रहे हो तो दो ग्लास आपको पानी लेना है, तो ये आधा चम्मच, इतना आधा चम्मच इसमें हम डाल देंगे, दो ग्लास पानी में आधा छोटा चम्मच हम इसको डाल देंगे, और इसके साथ ही हम पुदीने की चार पांच पत्तियां इसमें डाल देंगे, ये तो मेरे पास ज़्यादा ही है, तो हम बस इतनी से आप एक ग्लास पानी, अगर आप एक जने का बना रहे हो तो इतनी पत्तियां इसमें डाल देंगे हम। इसको ऐसे तोड़ के डाल दो चाहे कूट के डाल दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। और ये है सेकंड तुलसी, ये भी जितना आप पुदीना डाल रहे हो ना उतनी आपने इसमें तुलसी डालनी है।
वैसे इसको भी हम डाल देंगे। तो ये रहा हमारा अदरक, इतना सा थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि गर्मी भी यार बहुत है, सभी मसाले इसमें गर्म है। ये हम एक जने का बना रहे हैं तो इतना सा बस हमें इसमें अदरक डालना है, इसको हम कूट कर डाल देंगे। ये देखिए इतना हो जाता है तो इसको हम डाल देंगे। इसको थोड़ा उबलने देंगे, जब आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा ऐसे उबाल आने लग गया इसमें, फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे। पहले गुड़ नहीं डालना है आपने इसमें, तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे। देखिए अब फ्रेंड इसको उबाल आ चुका है तो अब इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। तो इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है, अगर किसी को शुगर है, वो शुगर पेशेंट है, तो वो इसको स्किप भी कर सकता है। वैसे भी बहुत अच्छा बनता है ये, गुड़ मत डालिए, लेकिन मेरे जो घर में बच्चे हैं वो सभी हम उनको देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, इसलिए मैंने इसमें गुड़ डाला है। तो अभी ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ग्लास मैंने पानी डाला है, तो ये जब ऐसे उबाल आके थोड़ा पानी सूख जाएगा ना, जब 1 ग्लास पानी रह जाएगा तो तब ये हमारा कड़ा तैयार होगा। तो अभी हम इसको उबलने देते हैं। इसको हमने ना ऐसे ढक के रख देना है और गैस को सिम कर देना है, ताकि वो धीरे 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 जो 2 ग्लास से पानी है, 1 ग्लास पानी जब रह जाएगा तब हमारा काढ़ा अच्छे से तैयार होगा। इसको ऐसे ढक के रखना है ताकि अंदर ही अंदर ये बनता रहे। तो गैस मैंने कम कर दी है, अभी हम देखते हैं 15-20 मिनट में ये पानी है वो कम हो जाएगा, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि काढ़ा कैसा तैयार हुआ है। अभी फ्रेंड देखिए ये पानी मेरा आधा रह चुका है, आप देख सकते हो पानी यहाँ तक था, क्योंकि मैं 2-3 लोगों का बना रही हूँ, हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया मेरे घर में बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देती हूँ। तो ये पानी आधा रह चुका है, ये हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हो। अभी मैं इसको छान कर आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जैसे जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं, जैसे ब्लैक टी कई लोग पीते हैं, वैसे ही है दिखने। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम छान लेते हैं इसमें। इसका कलर ऐसे हो जाता है। अभी मैंने 3 ग्लास में डाल लिया है, बच्चों के लिए इसमें ठंडा रख देते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे ठंडा पीते हैं, लेकिन हमें जो बड़े लोग हैं उसको थोड़ा गर्म गर्म ही हमें इसको यूज़ करना है। तो हम लोग इसमें थोड़ा नींबू भी ऐड करेंगे, आप इसको स्किप कर सकते हो नींबू को, बस थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं। तो अभी फ्रेंड ये हमारा काढ़ा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसी से हम कोरोना की जंग जीते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा, कोरोना के लिए ही। आपको कोई भी दिक्कत है जैसे खांसी वगैरह, जुकाम है, बुखार है, मैं कैंसर में भी इसको बहुत यूज़ करती हूँ। सुबह मैं, आपको पता है दूध के प्रोडक्ट मैं नहीं लेती हूँ, तो मैं सुबह सुबह इसका ही सेवन करती हूँ। ये थोड़ा गर्म होता है तो इसके लिए इसको, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सुबह से हम ले सकते हो, तो अदरवाइज आपको शाम को सोते टाइम इसको लेना है। तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है इसको डेली यूज़ कर सकते हो। बच्चे को थोड़ी क्वांटिटी आप इसको कम कर सकते हो, तो बड़े के लिए इतनी क्वांटिटी बहुत है, आप इसको सुबह शाम यूज़ कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड मेरा आप सबको बताने का, वीडियो दिखाने का कारण मेरा यही है कि बाहर जैसे माहौल ख़राब है तो हमें घर में कैसे ये सब कुछ घरेलू नुस्खे से ठीक करना है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है, कोई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आगे, ताकि और लोगों को भी इसका पता चल जाए कि कैसे घर में हमने कोरोना के साथ जंग लड़नी है, हॉस्पिटल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो आप हॉस्पिटल भी जाओ, लेकिन थोड़ा है तो आप घर में ऐसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, तो तभी आपको आप मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ये मेरे बच्चे ने दिया है मेरे को मदर डे पे आज, ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना। थैंक यू बेटा, वेलकम। ये देखिए इसने घर में बनाया है ये सारा।